हेलो एवरीवन स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इज़ी वर्षा में तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप कौन सा फेस पैक यूज करें ऑयली स्किन वालों के लिए है ये बहुत ही आसान से बहुत ही आ, कम चीजों में मैंने ये फेस पैक रेडी किया है तो जिससे कि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं ये आपके फेस से ऑयल को रिमूव करेंगे साथ ही साथ अगर आपके चेहरे पर तेल की वजह से ऑयल की वजह से पिंपल्स वगैरह हो गए हैं तो वो भी खत्म हो जाएंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपको बोलना चाहूंगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिएगा जो कि की इजी लाइक विद वर्षा है सेम प्रोफाइल है तो वहां जाकर आप उसे भी क्लिक कर दीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो इस पैक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक प्लेट में एक चम्मच के करीब नीम का पाउडर नीम की पत्तियों का जो पाउडर होता है ये आपको मार्केट में भी इजीली मिल जाता है और आप चाहें तो इसे घर पे भी बना सकते हैं नीम की पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर बना सकते हैं पर प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है क्योंकि आपको कॉटन के कपड़ों से ही इसे छानना होता है ताकि अच्छे से इसके पार्टिकल बहुत पतले और एकदम छोटे छोटे कण हों जो आपके चेहरे पर लगे नहीं और दूसरा जो इन्ग्रीडेंट है वो है मुल्तानी मिट्टी मुल्तानी मिट्टी जो होती है वो आपके चेहरे से ऑयल को रिमूव करती है और आपके चेहरे का रंग निखारती है चेहरे को गोरा बनाती है साथ ही साथ आपके चेहरे से दाग धब्बों को भी हटाती है और तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है रोज़ वाटर यानी कि गुलाब जल गुलाब जल आप कोई सा भी ले सकते हैं लेकिन इस पैक को गुलाब जल में ही मिक्स करना है कोई दूसरा इंग्रेडिएंट नहीं यूज़ करना है तो है ना ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल पैक नीम की पत्तियों का यूज़ मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर आपके चेहरे पर किसी तरह का दाग हो जाता है या आपके स्किन में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो नीम की पत्तियों में जो है वो एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो आपके फेस से इन्फेक्शन को दूर करते हैं साथ ही साथ कील मुहासों को भी ख़त्म कर देते हैं तो ये पैक बनकर रेडी हो चुका है अब मैं इसे अपने फ़ेस पर अप्लाई करके दिखाऊंगी आपको आप मेरा फेस देख सकते हैं मैंने फेस अच्छे से क्लीन कर लिया है अपना मेरे फेस पे पिंपल भी हो गए हैं इसलिए मैंने नीम की पत्तियों का यूज़ किया है अगर आपके चेहरे पर पिंपल नहीं है तो आप नहीं भी कर सकते लेकिन अगर नीम की पत्तियों का यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा है और मुल्तानी मिट्टी तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपकी स्किन से ऑयल को रिमूव करने के लिए और रंग को निखारने के लिए गुलाब जल जो होता है वो चेहरे पर ठंडक देता है चेहरे को शाइन देता है साथ ही साथ रिफ़्रेश रखता है पूरे दिन तो गुलाब जल बहुत ज़्यादा अच्छा है आपकी स्किन के लिए तो इन तीनों का पैक जो है आपको इस तरीके से अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है आप हाथ से भी अप्लाई कर सकते हैं और मुल्तानी मिट्टी जो होता है ये ड्राई स्किन वालों के लिए मैं कहूँगी कि ज़्यादा ठीक नहीं है अगर ड्राई स्किन पे आप यूज़ करना चाहते हैं अपने रंग को निखारने के लिए क्योंकि मुल्तानी मिट्टी चेहरे को गोरा बनाता है साथ ही साथ दाग धब्बों को हटाता है तो अगर मुल्तानी मिट्टी आप चेहरे पर लगाना चाहते हैं ड्राई स्किन वालों के लिए मैं बोल रही हूँ तो आपको ध्यान रखना आप इसमें दो चार बूंदें विटामिन कैप्सूल की डाल सकते हैं या फिर कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा नहीं सिर्फ दो बूंद कोकोनट ऑयल या फिर आप बादाम का तेल भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं करना सिर्फ़ दो बूंद ही करना है तो इस पैक को आपको कम से कम तब तक लगा के रखना है जब तक कि ये सूख ना जाए उसके बाद आप अपने फेस को धो लीजिए आप देख सकते हैं वीडियो के स्टार्ट में मैंने ये पिंपल दिखाया था ये देखिए एक ही बार भी मैंने यूज़ किया है इसीलिए आपके सामने और आप देख सकते हैं कि कितना फर्क दिख रहा है मेरे फेस पे फेस ग्लो भी कर रहा है मैंने कोई मेकअप नहीं किया है किसी तरीके का सिर्फ लिपस्टिक यूज़ की है तो भी मेरे फेस पे कितना शाइन है कितना चमक है क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जो होती है वो आपके रंग को निखारती है आपके चेहरे से गंदगी को बाहर करती है और चेहरे को खूबसूरती प्रदान करती है तो आप मेरे चेहरे को देख सकते हैं कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले कैसा दिख रहा था और अब कैसा दिख रहा है तो उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर